ग्राउंड जीरो से मैं रामेश्वर दत्त इस समय मेरठ में एक आशा वर्कर्स जो शशि नाम की थी उनकी पिछले दिनों डेथ हो गई अभी 3 दिन पहले ही, और वो बीमारी में भी अपना जो काम था स्वास्थ्य विभाग का उसकी जिम्मेदारी निभाती रहीं। उनकी डेथ क्यों हो गई, क्या बीमारी थी, यही जानने के लिए मैं उनके घर पर ही हूँ। तो मैं उनके पति से, जो बहुत दुख में भी हैं लेकिन फिर भी हमसे बात करने के लिए राज़ी हुए हैं, उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। तो आलोक जी बताइए कि उनको क्या बीमारी हुई थी और कैसे उनको, मतलब उनकी डेथ हो गई और बीमारी में इलाज क्या चल रहा था। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब से ये कोविड के टाइम में से ही बीमार थी, जब इनको कोविड पॉजिटिव हुआ था तब तो उन्होंने विभाग ने थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह दे के तो कंट्रोल कर लिया, उसके बाद से फिर थोड़ा सा प्रॉपर्ली ठीक चली नहीं। जानना चाहूँगा कि क्या क्या परेशानी हुई उनको और किन किन कारणों से उनकी डेथ हो गई। शशि बहन जी हमारे साथ ही काम करती थी, पहले उन्हें 2021 में कोविड हुआ था, लेकिन कोविड की सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं की गई और ना ही उनकी कोई मदद की गई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो उनकी देखभाल ना होने के कारण ज़्यादा बीमार होती चली गई और उनका इन्फेक्शन बढ़ता चला गया। हम यही चाहते हैं कि शशि के जो हस्बैंड हैं वो प्राइवेट जॉब करते थे, उनकी वो भी छूट गई हैं और शशि बहन जी भगवान को प्यारी हो गई, उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये घर उनका किराए का है और इनके पति के पास कोई काम भी नहीं है और ये आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, बच्चे भी बहुत परेशान हैं। हम ये चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग से कि इनकी मदद की जाए। उनको पहले कोविड हो गया था फिर वो बीमार हो गई, तो क्या बीमारी में उनको छुट्टियाँ कुछ दी विभाग ने। छुट्टियाँ सर, छुट्टी तो किसी भी आशा की नहीं होती है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है आशा की। स्वास्थ्य सुविधा दी हो, कोई छुट्टियाँ दी हो या उनकी देखभाल के लिए कोई विशेष कोई रियायत दी हो। सर शशि बाला की कोई विशेष हिदायत वो नहीं करी गई हेल्प, और यहाँ तक कि शशि बाला बहन भगवान को प्यारी हो गई, कोई स्वास्थ्य कर्मी अब तक उसके घर नहीं आया है, बल्कि हमारी कुछ आशा बहनें हैं जो उनके बच्चों को देखने आती हैं और उनकी मदद भी करती हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी अभी तक शशि बाला बहन जी के घर पर नहीं आया है और ना ही किसी तरह की मदद दी है। एक और आशा बहन जो शशि बाला जी के साथ काम करती थी, वो किन परिस्थितियों में काम करती हैं, किस किस तरह से अपना घर चलाती हैं और क्या क्या समस्याएं उनके यहाँ थी। मेरे साथ भी एक अपरिचित घटना हुई थी, क्योंकि मैं भी जिस टाइम लगी थी तो मेरे पति भी ज़्यादा बीमार थे, तो मुझे भी उस टाइम पे कोई छुट्टी नहीं मिली, ना पति को देखने के लिए कुछ मिला। कोविड का काम करो, दिन रात करो, उसे दवाई दे के आओ, पति को मत देखो, पति के तो बीमार है, कोई बात नहीं, मर जाएगा, मर जाने दो, तुम तो पाल ही लोगी। लेकिन उनके मरने के बाद भी 2 रुपये का सहारा मुझे स्वास्थ्य विभाग से नहीं मिला, ना कोई जाँच का पैसा मिला कि लो तुम जाके अपने पति की जाँच करा लो या 15 दिन की छुट्टी पर तुम रह जाओ। कोई एनम का कहना भी ये था कि दुख तो दुख हो गया लेकिन आगे की ज़िंदगी तो संवार लो। उनके गुर्दे ख़राब हो चुके थे और उन्हें कोविड भी हो गया था, लेकिन उन्होंने कोविड का टेस्ट नहीं कराया था, और स्वास्थ्य विभागों का प्रेशर भी कुछ ये नहीं था कि हाँ ये इतनी गंभीर हालत में है, कोई टीम आके उन्हें देखे या कुछ करे, नहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है आशाएं बहन जी जाएं और उन्हें दवाई दे के आएँ मरीजों को, अपने अपने पेशेंटों को, और उनके पास जाके विजिट करें, अपने पति को मत देखें, ना परिवार को देखें, ना उनका खाना देखें, ना उनका स्कूल देखें, कुछ भी नहीं देखें। अब उनको कोविड हुआ तो आपने क्या स्वास्थ्य विभाग में जाकर के ये मांग रखी कि उनका इलाज किया जाए। बस उन्होंने तो कहा कि प्यारे लाल ले जाओ या मेडिकल ले जाओ, मेडिकल प्यारे लाल लेके गई, वहाँ 15 दिन इलाज चला, वहाँ से थोड़े ठीक होके आगे फिर उन्हें और उभारा हो गया, फिर उनकी हालत तो ऐसी गंभीर होगी कि जिस दिन सेशन था उस दिन फ़ोन आ रहा सेशन पे आ जाओ। मैंने कहा मैं कैसे आऊँ, मैं तो यहाँ से विपदा में पड़ी हूँ, मौती हो गई मेरे पति की, तो बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी है और मैं खुद कर रही हूँ, बेटियाँ पढ़ रही हैं, 3 बेटियाँ हैं मेरे साथ भी, मुझे कोई सहायता नहीं मिली, 2 रुपये की नहीं मिली। ऐसा तो कुछ होना चाहिए, अगर आशा बहनों के साथ क्या तो वो मरे या उनका पति मरे, कुछ तो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए या बीमा वगैरह उनके लिए होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग से उनके लिए जांच की, या जैसे हम कोविड में लगातार काम करते हैं, हमें इतने दिन के बाद 15 दिन की या 10 दिन की या 2 दिन की भी तो छुट्टी मिलनी चाहिए, जाओ आप तुम अपना ट्रीटमेंट कराओ या स्पेशल तौर से हमें UPSC पे बुला के हमारा ट्रीटमेंट कराया जाए। ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, 2 रुपये की गोली भी नहीं है। हमारे टेस्ट में
कुछ आ जाएगा तो हमें छुट्टी देने की, हम छुट्टी लेंगे तो हमें छुट्टी भी नहीं देते वो लोग। और पहली बात तो टेस्ट के अंदर कुछ आता ही नहीं है। हमारे शशि बाला बहन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनको चार बार तीन बार टेस्ट हुआ है उनका PSC बजाकर, लेकिन उनके लिए कोई भी इन्फेक्शन कोई भी वो नहीं आया। प्यारे लाल जाके हमने टेस्ट कराई, हम दोनों बहनें गई थी एक साथ, वहाँ पर टेस्ट कराया तो उनके उसमें इन्फेक्शन आया फेफड़ों में। तो ये आशा बहनें एक तरह से स्वास्थ्य विभाग पर एक तरह का आरोप लगा रही हैं, उसको कायदे में उसका भंडाफोड़ कर रही हैं कि अगर वहाँ टेस्ट भी कराते हैं तो टेस्ट प्रॉपर नहीं होता है, जिससे अगर कोई आशा बहन बीमार है तो उनका इन्फेक्शन नहीं आता। शशि बालाजी के साथ भी यही हुआ जैसा बता रहे हैं। सर हमारा तो सिर्फ काम करने का हक होता है, हमारा ना तो बीमारी में हमको कुछ दिया जाता है और ना ही हमारे आराम के लिए कुछ दिया जाता है। हमारी ड्यूटी 9 बजे से कहते हैं हमारी NM या डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई आपकी 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी है, लेकिन हमें कोई टाइम नहीं है। हमारा रात को 8 बजे भी बुला लेते हैं, सुबह 7 बजे भी बुला लेते हैं, हमारा अपना कोई टाइम नहीं है, हमारी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। क्या स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई सुनवाई की है? नो सर, जो पहले हमारे पैसे बढ़े थे वो भी रोक लिए उन लोगों ने, एक ही बार 1500 रुपये दे के अभी तक कोई हमारा वेतन नहीं आया। बीमारी में भी काम करना पड़ता है और पूरे पूरे दिन काम करना पड़ता है, तो कोई छुट्टी मिलती है वीकली? नहीं सर, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती और अधिकारी आके हमको धोस दिखाते हैं और हमें डांट कर जाते हैं, कहते हैं आप चाहे मरो गिरो लेकिन काम करो। आपको कोई बीमारी होती है तो क्या स्वास्थ्य विभाग उसमें आपको समुचित आराम की सुविधा देता है? नहीं सर, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती है। संडे की छुट्टी होती है, त्यौहार की छुट्टी होती है, इस तरह के त्यौहारों में तो आपको छुट्टी मिलती होगी। काम बता देते हैं पहले ही एडवांस में, मतलब वो रखते हैं कि हमें कल ये काम करना है, तो फिर वो छुट्टी भी हमारी कैंसिल हो जाती है। तो आपके क्या ड्यूटी के कुछ ऐसे आवर्स हैं, समय है कि भाई इस समय से इस समय तक है? नहीं, हमारा कोई समय नहीं है सर, टाइम ही कोई समय नहीं है, बस सुबह से स्टार्टिंग है, रात भर करते रहो काम, हम थकते नहीं हैं। बीमार बहुत थी ये, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग ने इनका एक बार भी इनसे ये नहीं पूछा कि हमारी तरफ से कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, मदद किसी ने नहीं की। तो इस बीच भी उनको काम करना पड़ रहा था? हाँ जी, इस बीच भी काम कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग वालों में कहते हैं कि कोई छुट्टी नहीं है, मेडिसिन लो, आराम करो थोड़ा, उसके बाद अपना ड्यूटी करो। आपको विभाग से क्या स्वास्थ्य सेवाएँ मिलती हैं? जी हमें तो कुछ सुविधा मिलती ना है। अच्छा जी, और जैसे शशि बाला बेचारी मर गई कोरोना से, उसको कोई सुविधा नहीं मिली, उसके बच्चों को कुछ मिलना चाहिए, छुट्टी भी नहीं देते, कोई सुविधा नहीं है जी। शशि बाला जी के पति से आलोक जी से जानना चाहूँगा कि वो किस परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो ये आपका अपना घर है आलोक जी? नहीं जी, मैम किराए पर रह रहे हैं यहाँ पर। तो स्वास्थ्य विभाग ने कोई संपर्क आपसे किया अभी तक? कोई संपर्क नहीं किया गया, कोई नहीं आया अभी तक, ना किसी ने फ़ोन किया ना कुछ करा, ना ही कोई अभी वहाँ से UPSC जहाँ काम करती थी वहाँ से कोई आया है। तो इनकी जो सहेली वगैरह इनके जो स्टाफ की वो आई है यहाँ पे अभी तक। वो कोविड कब हुआ था? ये 2021 की जुलाई में हुआ था कोविड। जो छोटी मोटी जो दवाई दी थी वो दो दिन दिन टैबलेट्स वगैरह भिजवाई थी, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ ना तो कोई खबर ली ना कुछ पूछा कि क्या इनका हुआ क्या नहीं है, ना कुछ ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पता गया। बस बाद में जब मैंने खुद ही चेकअप अपनी तरह अपने हिसाब से किया, चेकअप कराया तो उसमें फेफड़ों पे इन्फेक्शन बताया, तो और फेफड़ों पे इन्फेक्शन जो बताया तो वो बहुत इतना बिगड़ चुका था, फैल चुका था कि वो अब वो ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर मैं उनको एम्स में ले गया था, वहाँ पर उन्होंने जब क्लियर कर दिया कि अब ये कुछ नहीं होगा ना, घर ले जाइए।